हेलो फ्रेंड्स, मैगी कॉन्टेस्ट के लिए मैंने जो रेसिपी यहाँ पर बनाई है यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करी। एक पैकेट मैगी ले लिया जिसको मैंने 90% तक कुक कर लिया और छन्नी में इसका पूरा पानी निकाल दिया। एक बाउल में मैंने मैगी को डाल दिया और दूसरी प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स रखे। अभी जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बताती जा रही हूँ वो मैंने आधी आधी करके शेयर कर दी है। यहाँ पर मैंने मैगी का मैजिक क्यूब लिया है, टेस्ट मेकर लिया है, मिक्स अप्स लिए हैं, ऑरिगेनो लिया है, चिली फ्लेक्स लिए हैं, रेड चिल्ली पाउडर लिया है और थोड़ा सा नमक लिया है। सारी चीज़ों को मैंने आधा आधा करके दोनों में बांट लिया है। उसके बाद जो मैंने मैगी ली है उसमें मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर का, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर केचप डाल दी है मैगी की और 1 चम्मच पानी डाल दिया है और अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 1 क्यूब लिया है मैंने चीज़ का जिसके मैंने 8 पीसेस कर दिए हैं। उसे एक पॉप्सिकल स्टिक में या तो जो लकड़ी का स्पून आता है उसमें इस तरह से स्टिक करना है और उसे जो हमने मैगी का मिश्रण बना है उसे अच्छी तरह से कोट करना है। हाथों में थोड़ा सा पानी लगा दीजिए और उसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए बिल्कुल हल्के हाथों से। मैगी की ये थ्रेड टूटनी नहीं चाहिए। फिर हम इसे अलग करते रखते जाएंगे। अगर आपसे ये प्रोसेस नहीं हो रहा है तो आप बॉल की तरह भी इसे बना सकते हैं। फिर जो ब्रेड क्रम्स में हमने मसाले डाले थे उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पॉप्सिकल्स को उसमें अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से कोट करना है हाथों से प्रेस करते हुए, जैसे हमारे ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से पॉप्सिकल पे कोट हो जाए। फिर तेल को हमें गर्म करने के लिए रख देना है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो ये पॉप्सिकल्स उस तेल में डाल देनी है और करीब 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। फिर इसे पलट लेंगे और 2 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है क्योंकि हमारी मैगी पहले से ही कुक है। तो ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी मैगी की पॉप्सिकल्स तैयार है। दोस्तों, आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।